नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान की बात केशव मंगाई के साथ में, मैं हूं आपके साथ केशव। मित्रों, आज हमारी मुद्राओं के श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और आपको मैं मुद्राओं के बारे में ज्ञान दे रहा हूं। मुद्रा, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं योगिक साइंस स्टूडेंट हूं, तो मुद्राओं का हमें अध्ययन करना कराया जाता है अध्यापकों द्वारा। अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया जाता है, तो आज मैंने सोचा कि आपको मुद्राओं के बारे में बताया जाए। मुद्राओं से काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, काफ़ी कुछ अपनी बॉडी का भी ठीक किया जा सकता है। आज हम बताएंगे आपको योनि मुद्रा। योनि मुद्रा क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, योनि, यह मुद्रा योनि के आकार की बनाया जाता है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और ये तांत्रिक मुद्रा है। तंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के हेतु योनि मुद्रा बनाई जाती है। आप जानते हैं जैसे कामरूप कामाख्या में, कामाख्या देवी के मंदिर में देवी महामाया की योनि है, तो वहाँ पर 10 महाविद्याओं का वास है पूरे कामरूप पर्वत क्षेत्र में, और ब्रह्मपुत्र नदी के उस पर्टिकुलर क्षेत्र में 10 महाविद्याओं का वास माना गया है। 10 महाविद्याओं की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि, अम्बुवाची मेला जो वहाँ होता है, जब देवी महामाया की वहाँ पे कुछ दिनों के लिए मंदिर पट बंद कर दिए जाते हैं, देवी महामाया की उस समय जो उपासना की जाती है आषाढ़ के महीने में, वहाँ तंत्र सिद्धि, तंत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिद्धियां प्राप्त करने हेतु वह साधना अमोघ है। और देवी की योनि साधना ज़्यादा पॉपुलर ईस्ट, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे यह ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ कामाख्या जो असम में गुवाहाटी ज़िले में स्थित है, तो वहाँ पे जो तंत्र साधना होती है उनमें काफ़ी इस मुद्रा का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर देवी की साक्षात कोई विग्रह नहीं है। देवी के योनि पीठ के वहाँ पर दर्शन होते हैं, वहीं जो मेन विग्रह है, वही मुख्य विग्रह है, वहीं पर देवी के योनि रूप में ही पूजन किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं यह योनि मुद्रा कैसे बनाई जाती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, योनि मुद्रा बनाने के लिए जो आपके ये जो लिटिल फिंगर से लेकर मिडिल फिंगर्स तक, ये तीन फिंगर्स को आपको जोड़ना है ऐसे, और जो आपके इंडेक्स फिंगर्स हैं उनको आपको जोड़ना है, और आपने ये ऐसे बना, ये आपका बना, देन आपको इसको थोड़ा टिल्ट करके आपका जो थंब है, थंब्स को जोड़ लेना है, और यह मुद्रा ऐसे आपको दिखेगी ऐसे। यह मुद्रा तंत्र मुद्रा है और इस मुद्रा का प्रयोग बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन के बिना आप ना करें तो ही आपके लिए यह कल्याणकारी रहेगा। और अगर आप अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, मूलाधार से लेकर शस्त्रहार तक कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, तब आप इस मुद्रा का प्रयोग करिए। मंत्रों द्वारा जो मंत्र बताए गए हैं, मूलाधार का लम रम यम, जो हम ओम ओम मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं चक्र साधना के दौरान, और एक गुरु के साथ ही इस मुद्रा का आप प्रयोग करें, क्योंकि यह मुद्रा बहुत चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है, क्विक एक्शन देती है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा से देखिए, मैं कर्मकांड को हमेशा बोलता हूँ, कर्मकांड दो दारू तलवार है, अगर सामने चलेगी तो ऋण रोग दरिद्रता आपके दुखों को कष्ट आपके कष्टों को दुखों को दूर करेगी, और अगर उल्टा चलेगी तो आपको ही क्षति पहुँचा सकती है। तो इसलिए किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करिए। अगर आपको अपने यह कुंडलिनी जागरण के लिए अगर आपके मन में प्रश्न है, मुद्राओं के प्रति अगर कोई प्रश्न है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप कमेंट करके अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो आपको मैंने बताया योनि मुद्रा, यह हमारे कुंडलिनी को एकदम से जागृत करती है। इस मुद्रा के साथ अगर आप साधना करते हैं, अगर कोई तंत्र साधना करते हैं, तो यह साधना जल्दी फलित होती है। अगर आप कोई भी आषाढ़ के महीने में अगर आप कामाख्या जाने का आपको सहयोग मिलता है, तब वहाँ पे आप बिना किसी गुरु के भी यह मुद्रा से देवी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध स्थान है। स्वयं सिद्ध स्थान में आपको करा हुआ पुण्य आपको बहुत लगेगा, वहाँ पे करा हुआ पाप भी डबल हो जाता है, परंतु वह एक स्वयं सिद्ध तंत्र स्थान है, तो वहाँ पे कही हुई तंत्र साधना आपको निश्चित रूप से फल जरूर देती है।
तो यह मुद्रा सरल मुद्रा है परंतु इसके रिजल्ट बहुत 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 ज़्यादा है। यह आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। यह आप अब इसके आपको मैं कुछ और बेनिफिट्स बताता हूँ। यह आपको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं विमेंस में, तो ये उसको भी ठीक करता है, मेन्यूपॉज पेन को भी ठीक करता है, आपके योनि से जुड़े हुए सभी रोगों को ये दूर करता है, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और कुंडलिनी जागरण होने से आपके सारे चक्रास जब क्लेंज होंगे, जब सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे, सारे सातों चक्रा, और जो देवी के उपासक होते हैं उनके नौ चक्र होते हैं, तालु के मध्य में एक चक्र होता है, दूसरा चक्र आपके इस जगह पे थोड़ा सा निचले स्थान पे वो स्थित होता है। जो भी देवी के उपासक होते हैं वह ये मुद्रा का प्रयोग करें और उनको इससे रिजल्ट भी आएगा, परंतु किसी योगी आचार्य की योगी गुरु की शरण में ही इस मुद्रा को इस्तेमाल किया जाए तो ही उत्तम रहेगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। आगे भी चल के काफ़ी मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा और मुद्राओं को यूज़ करके आप उनसे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। उससे आप काफ़ी कुछ अपनी बॉडी में आए हुए डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी के काफ़ी मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, डिप्रेशन तक को दूर किया जा सकता है सरल मुद्राओं से। मुद्राएं क्या है? मुद्रा नॉर्मली आपके हाथों के कुछ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे आप मुद्रा बनाते हैं, और उससे ही आपको 15 मिनट्स अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे डेफिनेटली आपको इससे फल की प्राप्ति होती है। काफ़ी मुद्राएं होती हैं जिनको स्त्रोत के साथ किया जाए, डायरेक्शन में फेस करके किया जाए, स्पेशल डायरेक्शन में फेस करके किया जाए, तो उससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, आप करके देखिएगा। आशा करता हूँ आज आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो। नमस्कार।